हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी एकेडमी। तो आज अपने इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि देयर के यूज सेंटेंस में क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। आमतौर पे जब आप पैराग्राफ करते हैं तो बहुत से पैराग्राफ ये ऐसे होते हैं जो देयर से स्टार्ट होते हैं, या बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जो देयर से स्टार्ट किए जाते हैं, और ट्रांसलेशन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यही इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने सोचा कि आपको देयर का यूज बताया जाए। इससे पहले मैंने इट का यूज आपको बताया था, तो इट का यूज़ अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो मेरे वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर इट का यूज़ देख लीजिए, और उसके बाद आप देयर का यूज़ भी देख लीजिए जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो देयर के यूज़ समझने से पहले आपको देयर के बारे में कुछ ये बातें जाननी होंगी कि देयर का यूज हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, और कैसे पता चलेगा कि हम देयर का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि देयर का यूज हम सेंटेंस में कब करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, देयर है क्या? तो देयर एक एडवर्ब होता है। अब एडवर्ब ये होता है, ये एडवर्ब जो होता है स्थान सूचक एडवर्ब है, इससे कोई स्थान का भाव प्रकट होता है, ठीक। अब देखिए, हम जब सेंटेंस जितने भी हम देयर से यूज जो करते हैं, उन सेंटेंस में आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि इसमें कहीं ना कहीं स्थान की भी बात होती है, किसी के होने की। देखिए, किसी बात का होना या ना होना पाया जाता है। जिन वाक्यों में किसी बात का होना या ना होना पाया जाता है, तो ऐसे वाक्यों में की शुरुआत हम देयर से करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस के द्वारा किसी कार्य का होना, किसी कार्य का ना कह सकते, किसी बात का होना या ना होना, या हम किसी के बारे में कुछ बताने का कार्य करते हैं, किसी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस कंडीशन में हम सेंटेंस की शुरुआत देयर से करते हैं। और देयर से यूज़ करने का एक और पहचान है, देयर का यूज़ कब करें इसका एक पहचान और भी है, वो आपको समझना होगा। देखिए कि सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसके साथ है, हैं, था, थी, थे, होगा या होगी, ये शब्द, ये क्रियाएं जो है लगी होंगी, तो आप समझ लीजिए वहाँ देयर से ही सेंटेंस को स्टार्ट करना है, और किसी भी चीज़ का यूज वहाँ कर ही नहीं सकते हैं। अब देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्शन देने के लिए, जिसका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। और सब्जेक्ट के साथ अगर है, हैं, था, थी, थे, होगा या होगी अगर आया है, तो हम उस सेंटेंस की शुरुआत देयर से करते हैं, और देयर के बाद प्रायः इज, एम आर, वाज, वर, विल बी या शैल बी का यूज करते हैं, ठीक। अब देयर के साथ इज का प्रयोग करना है कि एम का यूज करना है कि आर का यूज करना है, वो सब्जेक्ट तय करेगा कि सब्जेक्ट कैसा है। उसके बाद हम देयर का यूज, देयर का यूज के बाद हम इज, एम आर, वाज, वर, हैज, विल या शैल बी हम लगाते हैं। तो आइए जरा एक सेंटेंस देखा, जैसे लिखा है कक्षा में केवल एक विद्यार्थी। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी की बात हो रहा है, विद्यार्थी के साथ हैं, उसकी जेब में पर्स है। देखिए पर्स की बात हो रहा, पर्स के साथ है लिखा है। एक बार एक निर्दयी राजा था, तो देखिए निर्दयी राजा के लिए क्या है, था लिखा है। और खिलाड़ी मैदान में थे, खिलाड़ी के लिए थे लिखा है, या हम कह सकते हैं मैदान में खिलाड़ी थे, तो खिलाड़ी के साथ थे आया है। तो मैंने कहा जिसके बारे में बात करें अगर उसके साथ अगर ये सब दिया हुआ है, हैं, था, थी, थे, होगा, होगी, तो उस सेंटेंस शुरुआत देयर से करना, यही मेन पहचान है। आपको इस बात को समझना होगा, और इस बात को बिल्कुल कायदे से इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस सिचुएशन में ही हम देयर का यूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं कोई स्थान का भी भाव प्रकट हो रहा है इसमें। देखिए कक्षा में केवल एक विद्यार्थी, तो कोई स्थान प्लेस की भी बात हो रही है साथ में, तो हम वहाँ पर देयर का यूज़ कर लेते हैं। तो इस सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं, जरा देखिए। देयर से स्टार्ट करेंगे, अब एक विद्यार्थी था तो इज लगेगा क्योंकि है लगा है, देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास। अब जरा इसकी बात करें, उसकी जेब में पर्स है, तो हम लिखेंगे देयर इज अ पर्स इन हिज पॉकेट। बोलिए देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, देयर से स्टार्ट हो रहा है, फिर इज लग रहा है, फिर इज लग रहा है, फिर जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है उस सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो अगर इसकी हम फार्मूला बनाना चाहें तो फार्मूला बनेगा देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका जो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है वो लिखेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो लिख देंगे, ठीक। अब जरा इस सेंटेंस में देखिए, जिसे लिखा एक बार एक निर्दयी राजा था, तो जब एक बार आ गया तो वंस की, वंस का यूज हम पहले कर लेंगे, उसके बाद देयर। अब था है तो वाज हो जाएगा, वंस देयर वाज अ, अब निर्दयी राजा था, तो भाई निर्दयी के लिए क्या होता है, क्रूएल किंग। अब जरा इसकी बात कर लें, खिलाड़ी मैदान में थे या मैदान में खिलाड़ी थे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर, अब देखिए वर हो जाएगा क्योंकि प्लेयर्स जो हैं ज़्यादा हैं, इसलिए हम वर का यूज करेंगे, था तो देयर वर प्लेयर्स इन द फील्ड, मैदान में ग्राउंड भी कह सकते हैं, फील्ड भी कह सकते हैं। तो आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स को, जिससे हमारा जो है डाउट कुछ क्लियर हो जाए। 5, 6, 7, 8। इस मैदान में कोई भी खेल नहीं होगा, तो हम लिखेंगे देयर, अब होगा आ गया है तो विल बी, देयर विल बी नो गेम इन दिस ग्राउंड, इन दिस ग्राउंड। तो देख सकते हैं इसको विल बी से बनाया गया है क्योंकि इसमें होगा आ गया है। तो इस मैदान में कोई भी खेल नहीं होगा, तो हम खेल की बात कर रहे थे, खेल की बात कर रहे थे, नहीं होगा, तो देयर विल बी नो गेम इन दिस ग्राउंड। तो ये हमारा सेंटेंस देयर विल बी से बन जाएगा। फिर देखते हैं इस लैंप में तेल नहीं है, तो देयर इज नो ऑयल इन दिस लैंप। तो देखिए यहाँ पर नो ऑयल नो गेम की बात हो रही है, यानी कि हम जब कोई नहीं की बात करते हैं, कोई के नहीं, कोई नहीं के अर्थ में हम नो का यूज कर लेते हैं। कुएं में अधिक पानी नहीं है, तो देखिए इसमें कोई भी नहीं की बात हो रहा था, और इसमें भी तेल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ एकदम तेल नहीं है, तो इसलिए हम नो का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कुएं में अधिक पानी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो पानी है ही है, तो हम लिखेंगे देयर इज नॉट मच वाटर इन द वेल। तो देखिए यहाँ पर नॉट का यूज क्यों किया गया, क्योंकि पानी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो पानी होगा ही, अधिक पानी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो पानी है, लेकिन यहाँ पर देखिए नो का यूज़ करने का मतलब ये था कि तेल है ही नहीं तो जलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए वहाँ इतने सारे बच्चे क्यों हैं, देखिए वाई अगर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव आता है तो हम क्या करेंगे, वाई आर, देखिए वाई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट का यूज़ करिए जो कि देयर का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर यूज करते हैं, वाई आर देयर सो मैनी चिल्ड्रेन। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस वाई से भी सेंटेंस हमारा बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी देयर का यूज करना हो तो इस तरीके से कर लेते हैं, इसको बना दीजिए। तो इस प्रकार से हम देयर का यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि देयर का यूज किन स्थितियों में करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। उस बात को याद रखिएगा जो मैंने यहां बताया है कि सब्जेक्ट के साथ हैं था थी, यानी जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे उसके साथ अगर ये क्रियाएं दी होंगी तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर देयर का यूज़ करना है। और देयर के साथ हम हेल्पिंग और इज एम आर वाज वर विल बी सेल बी कर लेते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर वाज वर विल बी सेल बी लगाना है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देयर का यूज़ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।